तो प्रोफेसर रशीद वर्चुअल एकेडमी। तो ये हमारे पास में ये हमने कल एक टॉपिक पढ़ा था कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर का हमने कल टॉपिक पढ़ा था, ऐसी स्लाइड में प्रेजेंट है वो टॉपिक भी जो हमने कल पढ़ा था। तो इसमें है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, क्वेश्चन नंबर 21। इसमें अगर आप देखें ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन कितनी होगी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन जी, नाइट्रोजन यहाँ पर है N2, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी? आप लोग मुझे आंसर में बता सकते हैं इसमें चैट बॉक्स में। जी, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, ये कल टॉपिक हमने डिस्कस किया था। आप लोग अगर चाहें तो कल की वीडियो सर से आप ले सकते हैं, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, इसमें 5 नहीं होगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी इसकी? इसकी होगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन, इट इज 0, ए ऑप्शन है इसका। हमने फर्स्ट रूल पढ़ा था कि एलिमेंट इन न्यूट्रल स्टेट, न्यूट्रल स्टेट में और जो एलिमेंट्स, ये आपका आंसर सही है जी। तो न्यूट्रल जो फ्री स्टेट में जो भी एलिमेंट्स होते हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है फ्री स्टेट में। फ्री स्टेट मतलब जो एलिमेंट किसी के साथ भी कंबाइन ना हो तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है। अच्छा, अभी जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे थे उससे रिलेटेड ये एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड होज के ए वैल्यू इज 10^-8। तो के ए वैल्यू उसकी कितनी है 10^-8 जी, 10^-8 हो तो उसकी पीएच क्या होगी? अभी हमने डिस्कस किया था पीएच, के ए और के बी वैल्यू, जहां पर एथाइन कंसंट्रेशन की जगह पर क्या दिया गया आपको, आपको के ए वैल्यू दी गई है जी। वैसे नॉर्मली एथाइन कंसंट्रेशन भी दे सकते हैं, पर एथाइन कंफ्यूज करने के लिए जस्ट आपको एथाइन की जगह पर आपको क्या दिया गया है, के ए वैल्यू, ठीक है। तो व्हाट इज, ये पास पेपर है एसपीएससी का और उससे ये आपको क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूँ जी। तो इसका आंसर बताएं क्या होगा, अभी हमने ये टॉपिक डिस्कस किया था। पीएच ऑफ 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिडिक एसिड, ऑफ एसिड दैट हैज के ए वैल्यू, ऑफ एसिड दैट हैज के ए वैल्यू, ओके जी, 1 नहीं होगा इसका, इसका होगा 8। आपको मैंने बताया था कि जो पावर होता है, जो भी पावर होता है किसका, 10^-8 है यहाँ पर, तो जो भी पावर होता है एथाइन कंसंट्रेशन का वो आंसर में क्या आ जाता है, पीएच 10^-8। अगर इसका हम लॉगरिथम फाइंड करेंगे, लॉग, तो log 10 किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, और आंसर क्या आ जाएगा इसका, 8, 8+, इसका सी ऑप्शन होगा, ठीक है। डिफरेंट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है, ओके। एक मैंने और भी इसमें क्वेश्चन देखा था, अगर मुझे वो नजर आ जाए तो मैं आपको वो सॉल्व करवा रहा हूँ, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 34, ये क्वेश्चन नंबर 34, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34, पीएच इज द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ, क्या होगा यहाँ पर 34 क्वेश्चन, 34 क्वेश्चन में देखें पीएच जो है वो लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, फास्फोरस आयन कंसंट्रेशन या फॉस्फाइन आयन कंसंट्रेशन जी। ये इसकी टॉपिक से जो आज हमने टॉपिक पढ़ा, तो इससे ये थर्ड क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड जो पास पेपर में आ चुका है जी, एच आयन कंसंट्रेशन, ओके गुड। तो इसका ए ऑप्शन सही है आपका, ठीक है। अच्छा,